माई सेल्फ राहुल मित्तल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, फाइनली आज इनका क्लास पूरा हो चुका है। कितने डेज हो गए आज आपको चलाते हुए? 15 डेज हो चुके हैं, जिसमें आपने कार अपनी कितनी डेज चलाई है? 5 to 7। अभी तक कोई किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आई? नहीं। आज आपने रिवर्स पार्किंग स्लोप ये भी सीख लिया है। हाँ। तो अभी जो कार तो आपने चला ली, बट अगर कार का आपका टायर पंचर हो जाए या गाड़ी हीटअप कर जाए या एसी चलाना है या हीटर चलाना है तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका नॉलेज है? नहीं, नहीं है। तो कार चलानी तो हमें संभालनी भी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन्होंने कार सीख ली और बहुत अच्छी चला रही है, ये सेवरलेट की गाड़ी है स्पार्क, तो बाकी मारुति होंडाई होंडा ये गाड़ियों का फंक्शन थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा सा जो एसेसरीज का फंक्शन होता है ना, जैसे सिग्नल देना, लाइट ऑन करना, इंडिकेटर देना, डिपर देना, तो बाकी गाड़ियों में राइट साइड में होता है इंडिकेटर लीवर और इस गाड़ी में लेफ्ट साइड में है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पोलो की गाड़ी है, पोलो है वॉक्सवैगन की या फोर्ड की गाड़ी है या सेवरलेट की गाड़ी है, उसमें लेफ्ट हैंड पे लाइट का ऑप्शन होता है, जिससे बाकी गाड़ियों में जिससे वाइपर ऑन ऑफ होता है, इस गाड़ी में उससे आपका लाइट इंडिकेटर पासिंग डिपर होता है। तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है, लोगों को नहीं पता होती, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से राइट हैंड पे इस पे आपका वाइपर होता और लेफ्ट हैंड वाले पे इंडिकेटर और लाइट होती है। और बाकी चीज़ें मैं बताऊँगा कि बोनेट कहाँ से खुलता है, फ्यूल पंप का जो ढक्कन होता है वो कहाँ से ओपन होता है, डिग्गी कहाँ से ओपन होती है, जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती है कार चलाने के लिए, वो बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला आपको नहीं बताता है। तो मैं अपने स्टूडेंट को, आज फाइनली इनका डेज है और मुझे लग रहा है काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और सीख भी चुकी हैं। आप मुझे कितने मार्क्स देना चाहेंगे ड्राइविंग में? मैंने आपको ड्राइविंग किस तरीके से सिखाई? टीचर सही हूँ या नहीं? मतलब दिल से कह रही है मन रखने के लिए? नहीं नहीं, सही है, अच्छा है। वेरी गुड। तो मैं आज आपको बताऊंगा, आप अपना डोर खोलिए, मैं बताता हूँ। दिखा दीजिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? अभी आपको बैठना नहीं, जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे की दीजिए, ये की है, ये की है और की को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? आप गाड़ी में बैठिए, एक बार थोड़ा सा इसको सीट पीछे करके बैठिए, ये कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं बताता है, सीट अपनी, ठीक है? अभी चाबी निकाल लीजिए, ठीक है? अब स्टेयरिंग को पूरी घुमा दीजिए, किसी भी साइड घुमा दो पूरी। हाँ, अब सीधी करो, वापस वापस वापस, और सीधी करो, और सीधी करो, रुको, दिखाओ, छोड़ो, देखा क्या हुआ? अब लॉक हो गई। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टीयरिंग लॉक क्या होता है, लॉक और अनलॉक कैसे होती है, आपको पता है इसके बारे में? आप तो कार चला लेते हो। हाँ। चला लेते हो, कितना टाइम हो गया आपको चलाते? मुझे तो एक दो साल हो गया। एक दो साल हो गया, लेकिन ये चीज़ आज तक पता चली? आप भी आ जाइए इधर, समझ लीजिए। हाँ। सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है? ये स्टीयरिंग होता है, ठीक है? ये अभी लॉक हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर गाड़ी चोर हमारी ले जाना चाहे तो अगर स्टीयरिंग लॉक नहीं है तो ये कपलर यहाँ से निकाल के और वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अभी स्टीयरिंग अगर लॉक हो गया तो स्टीयरिंग लॉक उसको तोड़ना पड़ेगा, वो इजी नहीं है। और एक गियर लॉक होता है, ये दो चीज़ों का चोरों के पास ऑप्शन नहीं है। तो हमें करना है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि गाड़ी जैसे ऑफ करते हैं उसके बाद चाबी निकाल लेते हैं, डोर लॉक करके चले आते हैं, लेकिन स्टीयरिंग ऐसे लॉक नहीं होता है। अभी आप इसमें की लगाइए। हाँ, अब की घुमाइए, घूम रही है? नहीं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये की नहीं घूम रही है क्योंकि ऑलरेडी स्टीयरिंग लॉक है। आप चाहे जितनी कोशिश करेंगे ये स्टीयरिंग चाबी घुमाने की नहीं घूमेगी, क्योंकि स्टीयरिंग ऑलरेडी लॉक। और अनलॉक करने के लिए क्या होता है, आप एक हाथ से ये स्टीयरिंग ऐसे करिए, ऐसे 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 इधर की तरफ खींच के रखिए, वापस खींच के रखिए, दूसरे हाथ से की घुमाइए, घूम गई, हो गया। अब देखो स्टीयरिंग लॉक खुल गया, वापस चाबी निकाल लो ऑफ करके, ठीक है? अब स्टीयरिंग झटके से घुमा दो, देखा स्टीयरिंग लॉक हो गया, वापस की डालिए, घुमाइए, नहीं घूम रही थी, अभी आपने स्टीयरिंग हिलाते हुए वापस की निकालिए ऑफ करके, अब स्टीयरिंग फिर झटके से ये लॉक हो गया, लॉक हो गया, अब की डालिए, स्टीयरिंग मत घुमाइएगा, अब चाबी घुमाइए आगे की तरफ, घूम रही है आगे की तरफ, स्टीयरिंग मत घुमाइएगा, ये चीज़ ये घुमा के दिखाओ, घूम रही है? नहीं घूम रही, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो चुका है। तो लॉक और अनलॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी गाड़ी हम ऑफ करें कहीं भी पार्किंग करें तो पार्किंग करने के बाद स्टीयरिंग लॉक करना कंपलसरी है, ठीक है? अभी आप अनलॉक करिए, स्टीयरिंग खुल गया। तो कभी भी जैसे गाड़ी अगर लॉक होती तो हमें ये एक हाथ से ये स्टीयरिंग ऐसे हिलाते हुए की घुमाना है, स्टीयरिंग खुल जाएगा। अभी निकालिए, अब जैसे सपोज करो गाड़ी आपने खड़ी कर दी, अब स्टीयरिंग लॉक कर दो, आप बाहर आ गए, आप वापस आना नहीं है, वापस आपकी स्टीयरिंग लॉक हो गई, अब ऐसे नहीं खुलेगी, अब आप स्टीयरिंग अनलॉक करिए,
ठीक है, अब इग्निशन ऑन करिए, क्योंकि गाड़ी में अगर हमें विंडोज की शीशे ओपन करने हैं तो ये इग्निशन ऑन करना जरूरी है। इग्निशन ऑन हो गया, उसके बाद ये जो स्विच होता है आप देख रहे हैं, ये आपके राइट साइड का विंडो का है, ये देखिए विंडो उतरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और एक साथ में दोनों स्विच नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो इसकी मोटर फूक जाएगी, जल जाएगी। इसको ये राइट साइड का हो गया, ये ओपन हो गया आपका ग्लास, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट साइड का। बाकी इसमें फ्रंट की दो पावर हैं, बैक साइड नॉर्मल है, बाकी गाड़ियों में चारों पावर होते हैं। तो ये आपका लेफ्ट साइड का हो गया, लेफ्ट का आपका देखा शीशा क्लियर हो गया, हो गया, और ये ऊपर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक होता है विंडो लॉक, एक होता है सेंटर लॉकिंग, हालांकि इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें ये जो लाइट है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये पॉइंट जो है इसमें देखो लिखा है 0, 1, 2, 3। हमारी लाइट का जो फोकस होता है, जो रात में क्लियर होता है, हमें अगर लाइट को थोड़ा सा फैला के रखना रोड पे, तो हम इसको 1 पे और ये 2 पे और ये 3 पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी डे में नहीं पता चलेगा, जब आप नाइट में इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको रोशनी बाहर फैलती दिखेगी, फोकस टाइप का। तो इसको नॉर्मली हमें किस पे रखना होता है, 0 पे, ठीक है, ये 0 पे रखना होता है। बाकी आपका यहाँ से इसका बोनट खुलता है, ये पॉइंट जो है ये बोनट का है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे ये, ठीक है, ये अब बाहर आ जाओ आप, ठीक है, ये बोनेट का होता है, अभी उसको बताएंगे आगे चल के। और यहाँ पे दो पॉइंट और हैं, ये आपका फ्यूल का होता है ढक्कन, इसको ऊपर करेंगे तो ढक्कन खुल गया, और ये होता है यहाँ पे डिग्गी का, डिग्गी की से भी खुलती है और यहाँ से भी खुलती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तीनों चीज़ में से क्या बताऊँगा आपको, की निकाल लो वहाँ से, क्योंकि सेंटर लॉकिंग है। अब बोनेट कैसे खोलना है, क्योंकि कई बार गाड़ी हीटअप कर जाती है, कुछ भी है तो हमें कैसे पता चलेगा। अब हमने वहाँ से बोनेट को ओपन करा, बोनेट ऐसे चाबी निकाल ली आपने, तो ये इग्निशन क्यों ऑन है, हो गया ऑफ हो गया, आ जाओ। तो ये बोनेट ऐसे नहीं खुलेगा, बोनेट खोलने के लिए हमें वहाँ से ओपन कर दिया, बट इसके नीचे एक क्लिप लगी होती है, क्लिप, तो यहाँ पे एक क्लिप है, ये देखेंगे इस जगह। अब आप बोनेट उठाइए ऊपर, ये देखो, ये ऊपर उठाओ, ये क्लिप होती है, ऊपर उठाओ, हाँ, ये जो क्लिप होती है ये इसको ऐसे हम जब ऊपर पुश करके बोनेट उठाएंगे तभी उठेगी, ठीक है। और इसका एक रॉड होता है बोनेट का, जिससे हम इसको रोक सकते हैं, थोड़ा सा नीचे डाउन करो, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, बस छोड़ दो। इस तरीके से हम इसको हैंडल में, इसको स्टैंड है इसका ये, तो ये चीज़ जब तक हम इसको पुश वहाँ से हैंडल को खींचेंगे, फिर ये जो है इसके नीचे एक उंगली ऐसे डाल के इसको ऊपर उठाएंगे, तो इसका जो लॉक होता है यहाँ से ये उड़ जाता है, ठीक है। इसमें आपका, इसके अंदर पड़ता है आपका जो ये है आपका कूलेंट, इंजन को कूल करता है। कभी भी अगर ये पाइप फट गया, ये वाला पाइप फट गया, तो आपकी गाड़ी हीट कर जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी में आग भी लग सकती है। यहाँ पे वाइपर का पानी डाला जाता है, जो हमारे ग्लास को क्लीन करता है। पानी के साथ साथ आप एक शैम्पू भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ चलेगा, स्क्रेचेस नहीं पड़ेंगे। ये आपके इसके पिस्टन है, ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 4 पिस्टन, 1, 2, 3, 4, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे पावर स्टीयरिंग ऑयल पड़ता है, अगर इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होगा या लीकेज होगा, तो वहाँ पे इग्निशन स्विच पे बताता है, वो इंडिकेशन आता है। 3-4 लाइटें इससे इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा इंजन सीज हो जाता है। ये पावर स्टीयरिंग ऑयल इंडिकेशन में बताता है, आपका जो क्या बोलते हैं इंजन ऑयल है वो भी अगर कम होता है, लीकेज है, तो वो इंडिकेशन में बताता है। और आपका जो एक होता है ब्रेक ऑयल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये ब्रेक ऑयल कम है या लीकेज है तो भी इंडिकेशन बताता है। अगर ब्रेक ऑयल कम होगा तो ब्रेक नहीं लगेगी, लीकेज है कहीं पावर स्टीयरिंग ऑयल गाड़ी में, नहीं तो स्टीयरिंग प्रॉपर काम मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। गाड़ी में अगर इंजन ऑयल नहीं है तो इंजन हमारा सीज हो सकता है। इंजन ऑयल डलता है यहाँ से, और चेक करने के लिए इसका गेज है, इसको बोलते हैं गेज। और गाड़ी स्टार्ट पे हम इसको नहीं चेक कर सकते, गाड़ी प्रॉपर प्लेन जगह में खड़ी होनी चाहिए, प्लेन जगह में। फिर उसके बाद गाड़ी का हम जब स्टार्ट करने से पहले इस गेज को यूँ निकालेंगे, और इसमें देखिए पॉइंट बने हैं, ये देख रहे हैं दो बिंदी बनी है ना, तो हमारा मिनिमम जो है यहाँ तक होना चाहिए ये, इससे अगर कम है तो गाड़ी हमारी सीज हो जाएगी, और मैक्सिमम यहाँ तक। अगर इससे ऑयल कम है तो हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, क्योंकि मेन होता है इंजन ऑयल। और अगर इंजन ऑयल को हमें चेक करना है कि इंजन ऑयल अच्छा है या मतलब ग्रिप्टी है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो अभी इसकी इसमें चिकनाई है काफ़ी सारी, अगर काफ़ी ये मोटा हो जाता तो इसका मतलब इंजन ऑयल हमारा सही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको गेज बोलते हैं। ये हो गया, इंजन ऑयल डलता है यहाँ से, ब्रेक ऑयल यहाँ से डलता है। नॉर्मली जब आप सर्विस कराते हो तो मैकेनिक सारा चेक करता है। कूलेंट अगर कम, इसके अंदर बोतल में टॉप अप करके रखते हैं कि अगर कम होता है तो ये खींच लेता है इंजन, ज़्यादा होता है तो इसमें एक बैक पाइप होता है, ये
बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। बाकी इसके अंदर एयर फिल्टर होता है। कुछ पॉइंट और बता देता हूँ, ये बैटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें कैसे पता चलेगा हमारी बैटरी ओके की रिपोर्ट में, ये यहाँ पे देखिए एक इंडिकेशन लगा हुआ है। थोड़ा आगे आइए, ये देखेंगे, ये इसमें देखिए ग्रीन लाइट जल रही है, ये देखिए ग्रीन लाइट अंदर है, जल रही है। ग्रीन का मतलब होता है ओके, बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रही है। अगर इसके अंदर व्हाइट लाइट जल गई तो बैटरी आपकी नीट चार्ज हो रही है। नीट बोले तो इसके अंदर पानी वाटर नहीं है। अगर रेड लाइट इसके अंदर आ गई तो बैटरी आपकी डेड हो चुकी है। और इसमें दो पॉइंट, ये प्लस है और ये माइनस है। अक्सर क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कार्बन आ जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाता है, तो हम जब सेल्फ मारते हैं तो प्रॉपर वो करंट नहीं मिल पाता है, तो हमारी गाड़ी कई बार ऐसे क्रीर क्रीर करेगी, ऐसा लगेगा स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी डिस्चार्ज होगी, बट बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, इसके ऊपर कार्बन आ जाता है। तो हम कार्बन को साफ करने के लिए क्या करेंगे, एक लीटर पानी लेंगे, खूब बॉइल्ड करेंगे उसको, खूब ज़्यादा जब गर्म हो जाए बस उसको लाके इस टर्मिनल पे डाल देना और इस पे डाल देना, वो पूरा जो कार्बन है उसको क्लीन कर देगा इस तरीके से, ये ठीक है। अभी ये क्लीन है और हम इस पर वो भी लगा सकते हैं, आपका जो ग्रीस आती है तो ग्रीस लगा देंगे तो ये, या तो वॉसलीन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो भी लगा देंगे तो इस पर हमारा कार्बन नहीं लगेगा। कई बार और भी होता है कि जब हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं, जैसे सेल्फ घुमाया तो ऐसा लगता है जैसे सारी लाइटें गायब हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी में बैटरी डिस्चार्ज हो गई। पर ऐसी कंडीशन में हमें ये देखो, ये आपके सीन यही सीन है, देख रहे हैं, ये आपका टर्मिनल लूज़ है, ये कभी भी स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, तो ये आपका नट इसका लूज़ है, ये टाइट कराना पड़ेगा, ये टाइट होना चाहिए, देखो ऊपर ऐसे ही रखा है। तो ये सिचुएशन कभी, मुझे लगता है कभी आप सेल्फ मारते होगे, कई बार ऐसा लगता होगा कि करंट छोड़ दिया है, लगता है क्या हुआ है कभी ऐसा, हुआ है ना, तो ये एकदम ऊपर ही रखा है, देख रहे हैं आप ये चीज़, ये देख रहे हैं ऊपर टर्मिनल रखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप बार 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 करोगे और क्योंकि ये पूरी तरीके से इसको टाइट नहीं है तो इसलिए वो प्रॉपर ताकत नहीं दे पा रहा है। ये वाला आपका फुल टाइट है, ठीक है, ये देखो ये फुल टाइट है, तो इसको टाइट करना, 10 नंबर की रिंच आती है ये टाइट हो जाएगा, मेरी गाड़ी में पड़ी अभी चलेंगे टाइट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो एक फॉल्ट निकल आया ना और छोटी से फॉल्ट की वजह से गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर होगी। इसके अंदर आपके सारे फ्यूज़ होते हैं, अभी आप वहाँ से बोनट बंद कर दीजिए, वहाँ से रॉड हटाइए, रॉड, हाँ रॉड स्टैंड में लगाइए, रॉड पहले रुको, स्टैंड है देखो उसमें स्टैंड, हाँ पुश करो नहीं तो आवाज़ करेगा, छोड़ दो तेज से, बंद हो गया। अभी आ जाओ मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, ये देखो ढक्कन खुल गया उसका फ्यूल का, एक तीन वहाँ से ऑप्शन किए थे, ये इसका ढक्कन है, ऊपर उठाओ ये खुल गया, ये देख लें वापस, फिर वापस खोलो वहाँ से, ये खुल गया, ये फ्यूल का ढक्कन होता है, ठीक है, वहाँ से ओपन होता है, इससे की वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये क्लियर, क्योंकि ये इसमें लॉक है, जब आप उसको खींचते हो तो ये बाहर की तरफ खोल देता है। और बाकी डिग्गी यहाँ से ओपन होती है, ये एक की से भी ओपन होती है यहाँ से, और ये आपका उससे भी होती है, आपकी जो इसके सॉकर भी आपके थोड़े वीक हैं डिग्गी के, ठीक है, वीक हैं। और यहाँ पर आपका स्टेपनी होती है इसके अंदर, ये आपका जो है इसके अंदर देखिए तीन चीज़ें ही निकाली, नीचे रखिए, ये होता है आपका जैग, ठीक है, इसको ऐसे रखा जाता है, ये ऐसे, ठीक है, ये इसकी रॉड होती है, ठीक है, आप पकड़िए इसको कैमरे को और इस इधर दिखाइए, पीछे से हाथ हटाइए, ठीक है, और एक इसके अंदर खाना होगी कहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी गाड़ी में है ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है ही नहीं इसमें। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो आप टायर कैसे चेंज करेंगे, ये एक होता है रॉड, ये तो चलो पता नहीं किस लिए रख रखा है, आवाज़ यही कर रहा था, ये दिखाइए, ये स्टेपनी में ऐसे लगाया जाता है, इधर दिखाइए, गाड़ी आपकी जो आवाज़ कर रही थी इसी वजह से कर रही थी, यहाँ पे स्विच है, इसको इसके अंदर ऐसे लगाया जाता है इस तरीके से, शायद छोटा पड़ रहा है, इसमें बैठ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा इसलिए हिल रही थी, ठीक है। एक इसके अंदर होती जिसको पाना बोलते हैं, इसको टायर को खोलने के लिए, बट वो इसके अंदर है नहीं, ठीक है, ये जैग होता है,
इसको ऐसे करके ऐसे उठाना होता है, ये चीज़ है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। गाड़ी धीरे धीरे आपकी उठनी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी के नीचे लगाया जाता है टायर को उठाने के लिए, एक पाना भी होता है गाड़ी में, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी, उसको ध्यान से आप ले लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कहीं पर आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपकी हो गई, डिग्गी बता दिया मैंने आपको, ये आपका जैक हो गया, ये रॉड होती है, और एक इसका जो चाबी है उसमें नहीं है शायद, घर पे कंफर्म कर लीजिएगा, अगर कहीं आप खड़े हो गए ना फंस के खड़े हो जाएंगे, ये जो टायर खोला जाता है जो रिंच लगती है वो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, बाकी आप उधर से आइए तो मैं आपको कुछ चीज़ें, इधर बैठिए ड्राइविंग सीट पर और आप पीछे आ जाइए फ़ोन लेके पीछे वाली सीट पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। अभी आप चाबी लगाइए और फोकस यहाँ रखिएगा इस पे, दिखाइए एक मिनट, अभी इग्निशन ऑन कर दिया और कितनी सारी लाइटें आ रही हैं इसमें बताओ मुझे, कितनी लाइटें इस साइड है और एक उधर है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसमें देखिए इग्निशन लाइट, इसको स्पीड मीटर बोलते हैं, और इसमें लाइटें आ रही हैं 3, 2, 5 लाइट्स आ रही हैं, जिसमें जो सबसे नंबर वन ये लाइट जो होती है प्लस और माइनस, ये होती है आपके बैटरी चार्जर की, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर, और सेकंड नंबर पे जो है वो है इंजन ऑयल का इंडिकेशन, थर्ड नंबर पे जो है वो चेक इंजन है, और ये फोर्थ नंबर पे आपके डोर की लाइट है, फिफ्थ नंबर पे आपकी जो है हैंड ब्रेक की है, ब्रेक ऑयल की। तो अभी गाड़ी हमारी ऑन नहीं है, जैसे हम इंजन ऑन करते हैं तो इसमें से सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, सिर्फ एक लाइट जलेगी जो अगर हैंड ब्रेक ये लगा होगा तो, ये हैंड ब्रेक लगा होगा तो, अभी हैंड ब्रेक मैंने ऑन कर दिया है तो लगा है, अगर ऑफ़ कर दिया तो नहीं। अभी आपको इंजन ऑन करना है, इंजन ऑन करिए, सारी लाइटें फ्रेंड्स बंद हो गई, कोई भी लाइट ऑन नहीं है, कौन सी लाइट ऑन है, डोर की, डोर क्योंकि ये मेरा डोर ओपन है, अगर डोर या डिग्गी कोई भी ओपन है तो ये लाइट आएगी। अभी आप देखेंगे, हाँ डोर, अगर कोई भी डोर खुला हुआ है तो लाइट आएगी, अभी सारी लाइटें बंद हो गई। अब अगर गाड़ी आपकी ऑन है, अगर वो इंडिकेशन प्लस माइनस वाली लाइट आ गई तो इसका मतलब आपका अल्टरनेटर ख़राब हो चुका है, वो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, प्रॉपर आपको मैकेनिक से मिलना है। अगर वो हैंड ब्रेक वाली ये लाइट आ गई, ये देखो ये आपकी जो हैंड ब्रेक वाली लाइट है, और हैंड ब्रेक लगा नहीं है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज है या कम है, प्रॉपर ब्रेक नहीं लग पाएगा, ठीक है। अगर वो कीप बन के आ गई इंजन ऑयल वाली, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कहीं ना कहीं कम है, इंजन आपका सीज हो सकता है, ठीक है। और अगर चेक इंजन की लाइट आ गई तो भी कोई ना कोई फॉल्ट है, ठीक है। तो हमें तीन लाइटों का बहुत ध्यान देना है, नंबर वन इंजन ऑफ करो, आप इग्निशन ऑन करो, ये तीन लाइटों को हमें बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा सीरियस, नंबर वन ये प्लस माइनस अल्टरनेटर, नंबर टू ये कीप इंजन ऑयल जो इंजन सीज कर सकती, नंबर थ्री जो आपका हैंड ब्रेक, अगर हैंड ब्रेक ब्रेक ऑयल नहीं है तो आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगी, इन तीन गलतियां कभी नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हम लोग कई बार बारिश में या फोक में या रात में गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, आपको लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कैसे ध्यान देना है कि हमें क्या मतलब करना है जिससे चारों तरफ लोगों को दिखे, तो ये होता है, इसको बोलते हैं हज़ारा स्विच, इसको हम ऑन कर देंगे तो ये हमारी चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी के पीछे आगे जो भी आता है तो इसके कई इंडिकेशन होते हैं, एक होता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, एक होता है कि ये बंदा धीरे चलना चाह रहा है, दूसरा होता है कि ये सीख रहा है, तीसरा ये है कि ये हमें मतलब ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है कि थोड़ा संभाल के चलाओ, दूर से निकलो, तो ये चारों इंडिकेटर अगर कोई इसी भी गाड़ी में जल रहे हैं तो आप उससे बच के निकलो, समझ लो कि वो लर्नर भी हो सकता है, उसकी गाड़ी में कोई फॉल्ट भी हो सकता है, या शायद वो डरा हुआ, या हो सकता है उसको पार्किंग करनी हो, रोड पे हाईवे पे कभी भी गाड़ी आपको खड़ी करनी है तो हमेशा चारों इंडिकेटर जला के, साइड में गाड़ी लगा के चारों इंडिकेटर ऑन करके, ठीक है। और ये आपका होता है स्पीडोमीटर, यहाँ से देखो दो ऑप्शन होते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ से जैसे ये आप देख रहे हैं ये चीज़, ये इसमें ऑप्शन आ रहा है ए बी, अब जैसे ये आपकी गाड़ी चली हुई, मैंने इसको क्या करा, यहाँ से कर दिया जीरो, ठीक है, इससे माइलेज पता चलता है, ये जो है अभी बता रहा हूँ ये जीरो हो गया। अब आपको अगर जीरो करना था, गाड़ी ले जानी यहाँ से देहरादून, आप देखना चाहते हो मेरी गाड़ी क्या माइलेज दे रही हो, कितने किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपको माइलेज भी दिखाएगा किलोमीटर पर लीटर पे, RPM ऊपर लिखा है ना RPM, और यहाँ पे जीरो करने के बाद आप ये देख सकते हो कि मैं कितने किलोमीटर चल के आई हूँ, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये और एक ये वॉच का टाइम हो गया आपका, ठीक है, और टोटल गाड़ी आपकी जो चली है,
ये चल चुकी है आपका 14,860 किलोमीटर टोटल चली, उस हिसाब से कुछ भी चली नहीं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, बाकी अभी आप इंजन ऑन करिए। हाँ, फटाफट अब ग्लास बंद करिए और आपको एसी ऑन करना है। मैं बताता हूँ, पहले तो ये ढक्कन ओपन करना है, ठीक है। ये मैंने चारों इंडिकेटर बंद कर दिया, ये भी ओपन करना है, ठीक है। अभी एसी ऑन करना है, तो सपोज़ करिए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये ब्लू का मतलब होता है कूलिंग। अगर आपको फुल कूलिंग चाहिए ठंडी हवा, तो यहाँ पे अगर आपने इस पर कर दिया तो कम कूल करेगा, हल्का गर्म, जैसे सर्दियों में। अगर आपने यहाँ पे रेड पे इस पर कर दिया तो यहाँ चलेगा आपका हीटर, गर्म हवा फेंकेगा। तो नॉर्मली हमें अगर कूलिंग लेनी है तो इसको यहाँ रखना, ये यहाँ पे एसी का स्विच है, इसको ऑन कर दिया, और यहाँ से ये ब्लोअर कितनी हवा चाहिए, अगर हमें हल्की हवा चाहिए तो एक पे, अगर फास्ट हमें और ज़्यादा हवा चाहिए तो दो पे, अगर और फास्ट चाहिए तो तीन पे, और ज़्यादा फास्ट चाहिए तो चार पे, ठीक है। और इसमें ऑप्शन होता है, देखो इसमें अगर हमें यहाँ फ्रंट में एयर चाहिए, पूरी हवा यहाँ चाहिए, तो हम ये स्विच को यहाँ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एयर बढ़ गई। अगर हमें पैरों में भी हवा चाहिए और ऊपर भी, तो ये पॉइंट जो है ये दो नंबर पे रहेगा, ठीक है। पैरों में नीचे भी हवा आ रही है और ऊपर भी आ रही है, और अगर सिर्फ हमें पैरों में ही हवा चाहिए नीचे, तो हमने इसको कर दिया इस पे। अब देखो सिर्फ पैरों में हवा आ रही है, ठीक है। और अगर हमारी गाड़ी बारिश में है या कोहरा पड़ रहा है ठंड के मौसम में, तो अंदर देखो एक मॉइस्चराइजर जैसा जम जाता है, तो हमें इस पॉइंट पे करना है, ये पॉइंट आपको इस पे दिख रहा है, हल्की हल्की लाइनिंग हीटर टाइप का, तो ये यहाँ पे एयर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो हाथ लगा के यहाँ पे हवा आ रही है, इधर आ रही है, तो ये शीशा यहाँ से धीरे धीरे क्लीन कर देता है, तो हमारी गाड़ी का शीशा फ्रंट एकदम क्लीन। और अगर बैक साइड वाले हमारे शीशे पे यही चीज़ आ गई मॉइस्चराइजर, तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और अगर जैसे गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, कोई स्मोकिंग कर रहा है या कुछ भी, आप सोच रहे हो मुझे शीशे ना खोलने पड़े, तो आप इसको यहाँ पे कर दोगे इस पे, तो देखिए अंदर की हवा बाहर खींचने लगेगा। ये चीज़ तो ये हो गई नॉर्मली, ठीक है, बाकी ये आपका नॉर्मली होगा। अगर आपको प्रॉपर अंदर की हवा, कोई गाड़ी में स्मेल आ रही, कुछ आ रही, आप सोच रहे हो मुझे डोर ना खोलना पड़े, तो इस चीज़ को, ये चीज़ जो है इसको यहाँ कर दो, इस पे कर दोगे आप, तो ये देखो अब हवा यहाँ कम आ रही होगी फ्रंट में, वो पीछे आगे जाने, बाहर एग्जॉस्ट ऑन हो गया, अभी ये छोड़ दिया तो ये क्लियर हो गया, ये हो गया। बाकी ये आपका हीटर होता है, यहाँ पे आप लाइटर या कार चार्जर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप गाड़ी निकाल लीजिए और चला लीजिए, मुस्कुराते रहिए, लखनऊ में रहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने इनको बेसिक जानकारी दे दी कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो फ्रेंड्स ये कोई भी नहीं बताता है। कार चलाने से पहले हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती, वो जान लेना ज़रूरी होता है, तो वो सारी मैंने जानकारी इसमें दी है फ्रेंड्स। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी लगती, बहुत मेहनत लगती है, और एक कलाकार को क्या चाहिए, सिर्फ क्लैपिंग, समझ रहे हैं। तो बस वीडियोस देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।